खजौरी प्रखंड में पंचायत आम निर्वाचन 2021 का चुनाव को लेकर 20 अक्टूबर को मतदान होना है। शनिवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नाम निर्देशन के प्रथम दिन अभ्यर्थियों ने एवं समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। प्रथम दिन प्रखंड में ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों पर 94 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें 56 महिला एवं 38 पुरुष अभ्यर्थी शामिल है, जिसमें मुखिया पद से 11, सरपंच पद से 7, पंचायत समिति पद से 5, ग्राम पंचायत सदस्य 47 एवं ग्राम कचहरी पद से 24 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किए। नाम निर्देशन के लिए प्रखंड मुख्यालय स्थित अलग अलग भवनों में 7 काउंटर बनाए गए हैं। सब पर अलग अलग सहायक निर्वाची पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। बता दें कि खजौली पंचायत से मुखिया पद पर अमरेंद्र कुमार सिंह उप मुन्ना सिंह एवं अभिलाषा रानी, सुक्की पंचायत में मुखिया पद से अशोक कुमार सिंह, बदवार से बैद्यनाथ महतो एवं बेता ककरघट्टी से मोहम्मद कादिर एवं रसीदपुर पंचायत से समिति पद से जैनब खातून ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जबकि रसीदपुर पंचायत से वार्ड सदस्य के पद पर चिरानंद राय, मोलिना खातून, विभा देवी, सुक्की से प्लासी देवी एवं श्रवण कुमार सिंह, चतरा गोबरौरा उत्तर से मिथिलेश यादव, इनरवा से संतोष पासवान, बेता ककरघट्टी से धनेश्वर मुखिया, गुलाब मुखिया, सुजीत यादव एवं संतोष पासवान ने नामांकन दाखिल किया। उधर प्रशासन भी चुनाव को निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। क्या आपका उद्देश्य है मुखिया पद के चुनाव लड़ने का? गरीबों का विकास मेन मुद्दा। और क्या सब करना चाहते हैं पंचायत के लिए? बहुत कुछ करना चाहते हैं, जैसा सरकार का प्रावधान आएगा उसमें जहाँ तक होगा गरीब का विकास करेंगे और जो विकास काम आएगा सब करेंगे। अभी तक पंचायत का क्या सब विकास से वंचित है? बहुत कुछ नहीं मिल रहा है, इस द्वारा गरीब को मिलना चाहिए। क्या सब विकास नहीं हुआ है पंचायत में? विकास तो जो हुआ है सो हुआ है, जो नहीं हुआ है सो होगा। किस पंचायत से उम्मीदवार हैं आप? बेता का। आपका सुनना श्री मोहन रसीदपुर पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए पर्चा भरे हैं, क्या उद्देश्य भरे हैं, क्या सब कार्य करेंगे आप? सब चीज़ करेंगे। आपका नाम क्या है? जैनब खातून। कहाँ से हमने पर्चा भरे हैं? 11 नंबर वार्ड से लड़ने के लिए हम तैयार हुए हैं। मुझे जो होगा हम सक्षम है समाज के लिए, समाज सेवा कर सकते हैं। 5 वर्षों में कार्य नहीं हुआ है? कोई कार्यकर्ता नहीं काज किया है सर। अब जो है इस मतलब हम लड़े हैं, देखिए आप लोगों का आशीर्वाद रहा, करेंगे। आपके प्रत्याशी का क्या नाम है जी? किस नाम का? जैनब खातून के नाम से। हम इस विश्वास के साथ नामांकन किए हैं कि 5 साल जो समाज सेवा का मौका दिया उसमें किसी किस्म का दिक्कत नहीं दिए, समाज के सहयोग से जितना संभव हो सका हमने पंचायत का सेवा किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर समाज का आशीर्वाद मिलने पर इससे ज़्यादा विश्वास के साथ हम इस पंचायत का सेवा करूंगा। किसी तरह का दिक्कत पंचायत में नहीं होने दूंगा। जनता जिस टाइम जिस घड़ी हमको पुकारेंगे मुखिया का चेहरा जनता के सामने होगा। सुनना अब्दुल कादिर पंचायत बेता करघट्टी। आप वार्ड सदस्य का पद? 14 नंबर। मैंने अभी तक पंचायत में क्या सब विकास नहीं हुआ है? विकास नहीं के बराबर हुआ है, जलमल भी नहीं चल रहा है, नहीं रोड वाटर। जो आप इस नॉमिनेशन करा के क्षेत्र में आ रहे हैं जी, तब क्या सब आकर के विकास करेंगे? विकास करेंगे, वही रोड सही करेंगे और क्या जो है। और क्या जल नल का मतलब क्या स्थिति है? जल नल बिल्कुल चल ही नहीं रहा। कितने मैंने वार्ड में कितने जनसंख्या का वार्ड है आपका? 673 है वोटर। अच्छा 673 है, तो इसमें इस किसी प्रकार का मैंने जल नल चलता है वहाँ की? नहीं चलता। नहीं चल रहा, जल नल नहीं चल रहा। आप आवेंगे तो मैंने विकास करेंगे और जल नल का काम करेंगे जी है ना। आपका सुनना मिथिलेश यादव घर गबरोरा वार्ड नंबर पंचायत से आप वार्ड सदस्य के नामांकन किए हैं, क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है आपका? क्या उद्देश्य है? उसे दिखाएंगे काम अपना, फिर बाद में जो है इसे आगे बढ़ाएगा पब्लिक। पहले से भी है कुछ कर नहीं रहा है वार्ड सदस्य। 5 वर्षों में कुछ काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है काम। क्या सब काम अधूरा रह गया? पूरे काम अधूरे है, गाँव का कोई काम नहीं हुआ है, वार्ड का कोई काम ही नहीं है। आपका नाम? किस वार्ड से है?
किस वार्ड से? 14 करघटी पंचायत के वार्ड सदस्य खड़ा हुए हैं। आप मैंने किस उद्देश्य से खड़ा हुए हैं, क्या काम करेंगे, क्या करके? हाँ ले ले कर दो। क्या सब अभी तक मैंने वार्ड में काम नहीं हुआ है आपको? वार्ड में तो बहुत काम बाकी है। आप आएंगे तो मैंने काम करेंगे। हाँ काम कर। आपका क्या इसमें आने से क्या सब काम करेंगे? एक गली नली जो बाकी है वो करेंगे, सारा काम जो छुटा हुआ है वो। गुलाब मुखिया घर, घर खजिया ही, वार्ड नंबर, वार्ड नंबर 10 धनेश्वर मुखिया, वार्ड 13।